मैं हूं सलमान रशीद और ये है एक मुसाफिर की दुनिया। आज भी ये जो एक्सटर्नल नॉइज़ जिन्हें हम कहते हैं, ये फिटफिटियाँ जो बाहर से गुज़र रही हैं, उनसे की पहले से ही माजरत। ये दास्तान है ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर। अगर आप लाहौर से शुमाल को जा रहे हों रावलपिंडी की तरफ, तो पहले अगर खारियां से आप गुज़रते हैं तो साथ ही पब्बी की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। एक छोटी सी, ज़्यादा ऊंचाई की पहाड़ियां नहीं हैं, सावन भादों में और फिर ये मगर के महीने के बाद, यानी मार्च में जब ज़रा बारिशें हों तो खूब हरी हरी हो जाती हैं। सावन भादों में तो कमाल ही हो जाता है। तो वो वहाँ उन्हें हम पब्बी की पहाड़ियाँ कहते हैं। उनको आप जैसे ही वो जहाँ ख़त्म होती हैं तो चोआ कड़ियाला एक आबादी आती है, उसके बारे में मैं पहले भी एक कर चुका हूँ प्रोग्राम, और जहाँ पे वो मशहूर है चंडियाँ वाली सरकार। जाते जाते जिक्र करता जाऊँ कि वहाँ कोई चंडियाँ वाली सरकार नहीं है, कब्रें बनी हुई हैं, खाली कब्रें हैं, क्योंकि वहाँ नवंबर 1957 में एक एक्सरसाइज हुई थी फ़ौज की, नवंबर हैंडीकैप। उसमें वो किसी ने वो ट्रेंचेस देखी, झंडे देखे, तो उन्होंने एक बाबा इजाद कर लिया, और फिर एक पूरी दास्तान उसके ऊपर है। वो आपको मेरे इसी चैनल पे ढूंढनी पड़ेगी, चंडियाँ वाली सरकार उसका टाइटल है शायद। लेकिन चंडियाँ वाली सरकार के तकरीबन थोड़ा आगे पीछे ही जो दो ट्रैक्स हैं ना ग्रैंड ट्रंक रोड के, यहाँ पे नेशनल हाईवे 5 के, अगर आप नॉर्थ बाउंड ट्रैक के ऊपर हैं तो एक जगह पे बाएं हाथ एक बहुत सड़क के बिल्कुल साथ एक छोटा सा कुआं था, और वो नानक शाही ईंटों का बना हुआ था। तो शक ये गुज़रता है कि वो अपना महाराजा रंजीत सिंह या उससे थोड़ा पहले का होगा, हो सकता है मुग़लों के दौर का भी हो, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक वो था, और ये उसकी आप तस्वीर देख लीजिए, ये सड़क के ऊपर था। और जब मैंने पहली बार ये देखा 2005 या 6 में, तो मैंने अपने दोस्त को जिसके साथ मैं था, मैंने उसे कहा कि यार ये है तो ऐसे ख़तरनाक, यहाँ पे कुछ ना वो इन्हें बैरिकेड सा बनाना चाहिए, क्योंकि ये अपना कोई छोटी गाड़ी इसके अंदर गिर सकती है, जैसे हमारे यहाँ सुजुकी एल्टो तो नहीं होती थी उस ज़माने में, वो क्या उसे कहते थे, सुजुकी एल्टो ही कहते थे वो जो सुजुकी एल्टो होती थी वो, या जो FX होती थी छोटी सी, वो जैसे इंडिया में मारुति है, वो इसमें आसानी से अंदर जा सकती थी और किसी को पता भी ना चले, क्योंकि लोगों के देखने से पहले पहले ही वो गायब हो जाएगी। और इस कुएं के साथ ही ज़्यादा दूर नहीं, कोई आधा पौना किलोमीटर परे, एक किलोमीटर से कम परे मग़रिब की तरफ, वेस्ट की तरफ, एक ये खंडरात जो आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बड़ी और पुरानी ईंटों की बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ थी जो कि पता नहीं कहाँ से कहाँ को उतर रही थी। ये महीना था मार्च का जिसमें हमने जाके किया, सांप वांप बहुत ज़्यादा होने का ख़दशा था मुझे, क्योंकि वो सारा का सारा जो सब्ज़ा था बहुत ज़्यादा हो गया था बारिशें होने की वजह से, और मैंने पहने हुए थे जूते भी बड़े इनअप्रोप्रिएट किस्म के। तो हम, मेरा दोस्त और मैं, हमने ये रिस्क ही ना लिया कि हम उधर को जाएं, और हम जाके देख ना सके, ये दूर से तस्वीर हमने खींच ली। ये हमें यकीन था कि ये जो हैं ये हैं किसी पुराने दौर के, 17वीं-16वीं सदी के, कुछ पता नहीं था ये क्या है। मैंने एक दो आर्कियोलॉजिस्ट दोस्तों से पूछा, उन्होंने भी ये देखे हुए नहीं थे, तो कोई तायुन ना हो सका। थोड़े साल पहले मैं दोबारा गया, मैंने कहा वो कुआं देखूं और किसी को कहूं कि भाईजान वहाँ पे कुछ वो करा दें तहफ़्फ़ुज़, कोई गिरवे वाकई ना कोई कार अंदर चली जाए। तो कुआं मुझे तो ना मिला, यानी कुआं गायब हो चुका हुआ था। तो
वो और दूरबीन मैं लेके गया हुआ था। मैंने वो सीढ़ियाँ सी ढूंढने की कोशिश की, वहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी। अलबत्ता वहाँ पे एक हाउसिंग एस्टेट बनना शुरू हो गई थी, बुलडोज़र धड़ाधड़ काम कर रहे थे और बड़ी वो ना क्रेसेंट बनाए जा रहे थे वहाँ पे। ये आप जो अब तस्वीर देख रहे हैं ये गूगल अर्थ से ली हुई है। ये क्रेसेंट्स वहाँ पे बन रहे थे और क्या मिरेकल हाउसिंग और पता नहीं क्या ड्रीम हाउसिंग कोई इस किस्म के नाम है इन जगहों के, और ये वो बन गई और उसमें उन्होंने वो जो सीढ़ियाँ थी उनको उन्होंने गुम कर दिया, उनको मेरे ख्याल उनको बुलडोज कर दिया गया होगा। यही अगर इस तरह की कोई मॉन्यूमेंट कहीं किसी समझदार मुल्क में होती तो ये मॉन्यूमेंट बचा ली जाती और इसके गिर्द एक छोटा सा पार्क बना लिया जाता, लेकिन हमारे यहाँ तो पूरा देश ही रियल एस्टेट है, इतने तो छड़ना ही कुछ नहीं है। तो वो इसको बुलडोज कर दिया गया और इसको बराबर ख़त्म कर दिया गया। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर अब आप जाके ये बनाने वालों से पूछें ना कि भाई जान यहाँ वो सीढ़ियाँ थी ये तस्वीर है, वो कहेंगे नहीं ऐसे तो कभी भी कुछ नहीं थी। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल दूँ कि यहाँ लाहौर के शालामार बाग से आगे दरोगा वाला है और फिर ये हमसाया है जी मेरा जिंजर कैट, और इसको आप देख लें, आजा भाई ये बोलता बहुत है, गोद में नहीं आता। तो वो जो है अपना तो वो वहाँ पे दरोगा वाला के पास एक गांव है लखो डहर। लखो डहर के बाहर एक कुआं था, बावली थी जिसकी बकायदा वो गेट हाउस भी था और सारा कुछ था। और उसके जो है बावली की जो कमाल बात थी वो ये थी कि वो ऑक्टेगनल बावली थी, और बकौल मेरे जो मुर्शद हैं डॉक्टर सैफुररहमान डार साहब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुग़लों के दौर की वाहिद ऑक्टेगनल बावली है। वो पहली बार जब मैंने देखी तो मेरे पास नॉन डिजिटल कैमरा था, मैं तस्वीरें उसकी लेके आया। फिर जब मैं डिजिटल हुआ 2005 में तो मैं दोबारा बनाने के लिए गया उसकी तस्वीरें, तो वो बावली बंद थी, उसके जो ऊपर ममटी थी वो मौजूद थी, वो जो गेट हाउस सा होता है जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं वो ममटी मौजूद थी। मैंने वो बंदा जो बैठा हुआ था मैं कहा भाई जी इतने बावली होंगी सी वो कितने गई, कहता मैं 2 साल बाद ही गया हूँ, कहता इतने तो कभी भी कोई बावली नहीं सी, वो बिल्कुल ही मुकर गया। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने उसको सीमेंट से बंद कर दिया था और उसके अंदर वो पाइपें डाल के अंदर सबमर्सिबल्स लगा दी थी, सबमर्सिबल पंप लगाए हुए थे जो कि पानी खींच रहे थे और वो उनके खेतों को देते थे, खेतों के साथ ही था वो। तो वो कहने लगे कि जी ये तो यहाँ कभी बावली थी ही नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं। वो मैं कह भैन 2 साल पहले हम दो दोस्त आए थे, हम आके देख के गए हैं, और ये मैंने बताया भी कि मेरा लखो डहर का दोस्त जो था वो मुझे लेके आया था, वो मुनकर। तो अब ये जो यहाँ से ये जो मॉन्यूमेंट गायब किया गया है चौहा कड़ियाला से, जहाँ पे ड्रीम हाउसिंग और मिरेकल हाउसिंग और पता नहीं क्या क्या बन गई है, और मिरेकल हाउसिंग में उन्होंने एक जहाज़ सा भी खड़ा कर दिया, तो ये बन गई हैं। और अगर अब आप जाके उन्हें पूछें ना कि जी वो जो पुराने मॉन्यूमेंट्स थे उनका क्या किया, वो मुकर जाएंगे, वो कहेंगे नहीं यहाँ तो कभी कुछ था ही नहीं। तो अफसोस की बात ये है कि हमें सिवाय इस देश को एक रियल एस्टेट बनाने के हमारा कोई और काम नहीं है दुनिया में कि हम किसी तरीके से अपनी हेरिटेज को संभाल लें, वो हमसे नहीं संभलनी। तो आज छोटा सा रोन पिटन ही होता है मेरा हमेशा, तो आज का रोन पिटन बस इतना सही था।